शांति। आज की तारीख है 1/9/13 और आज रविवार है, तो अव्यक्त बाप दादा के अनमोल अव्यक्त ज्ञान मुरली के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 28/4/77 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सदा सुहागिन की निशानियां। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं, सुहाग का तिलक और भाग्य के लाइट का क्राउन, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। तो सदा सुहाग की निशानी क्या है, तो बाबा बताते हैं कि अविनाशी स्मृति का तिलक, ये है सदा सुहाग की निशानी। वैसे भी सौभाग्यवती नारी भी क्या करती है, सौभाग्य का तिलक लगाती है। अब बाबा कहते हैं आगे कि सदा भाग्य की निशानी फिर क्या है, पवित्रता और बाप के द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। अब बाबा आगे कहते हैं कि स्मृति यदि कम है तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर हमें बाबा की स्मृति नहीं तो फिर हमारे सुहाग का तिलक जो है, जो हमारे भाल पर है, वह भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। आजकल डायमंड के चमकते हुए डिजाइन वाले तिलक मिलते हैं, तो डायमंड होने के कारण उसमें चमक होती है, तो चमक वाले तिलक जैसे नजर आते हैं। तो बाबा कहते हैं हम भी अपनी स्वस्मृति जो कि एक चमकता हुआ सितारा है, और फिर बाबा भी हमारा चमकता हुआ अजब सितारा है। तो बाबा कहते हैं कि चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। यदि वो चमक रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने बाबा को सदा साथ रखते हैं। ऐसी सुहागिन तिलकधारी वह सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात ऊंच आत्मा दिखाई देती है। जैसे कईयों के ललाट भाल चमकते हुए जैसे दिखाई पड़ते हैं, जो परखने वाले होते हैं उनको वो चमक नजर आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो सदा एक बाबा की स्मृति में रहने वाली, उनके भी मस्तक चमकते हैं तो वो आत्मा भी ऊंच दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, और सुहाग किसको मानते हैं, अपने लौकिक पति को। तो यहाँ पर तो पतियों का पति जो सर्व पतियों का पति है और सारे विश्व का एक ही पति है जो सर्व सजनियों का साजन है। तो बाबा कहते हैं यदि सुहाग गया तो संसार गया, अर्थात बाप की याद नहीं तो सुहाग का तिलक भी चमकेगा नहीं, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे लौकिक में भी माना जाता है, इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की ही सजनिया है अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। अब ये सुहाग का तिलक सिर्फ बहनों को, माताओं को, कन्याओं को बाबा ने नहीं दिया, लेकिन हरेक के भाल पर ये सुहाग का तिलक चमकता है।
सदा एक की ही लगन में मग्न रहने की निशानी स्मृति का तिलक है, अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। अच्छा, आज अव्यक्त बाप दादा का याद प्यार है, सदा सुहाग के तिलकधारी, श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा बाप के साथी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। अब क्यों उनको चतुर सुजान कहा है वो बाबा ने क्लियर किया है। चतुर सुजान बच्चे मुट्ठी में भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुना भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी ले लेते। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल मुट्ठी चावल किसने दिया, सुदामा ने, और बदली में महल पाए। तो बाबा भी कहते हैं कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल क्या करते हैं, कच्छ में माना बगल में छिपा करके रखते हैं, फिर बाप खींच कर ले सकते हैं। बाबा चाहे तो उनसे खींच करके ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। वैसे भी कहते हैं ना, सहज दिया तो दूध बराबर, अगर मांग के मिला तो फिर पानी बराबर, परंतु यदि खींच के लिया तो रक्त बराबर। तो बाबा कहते हैं कि उनका फिर उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना यही चतुराई है। तो क्यों नहीं हम अपनी खुशी से माना स्वेच्छा से दें और दृढ़ संकल्प के साथ देकर एक देकर पदम को प्राप्त करें। इस देने में ही कल्याण है। इस प्रकार जब दिया जाता है तब उसमें हमारा कल्याण होता है। स्लोगन है आज का, साक्षी बन न्यारे होकर, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। अतः हम अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखें और अन्य के पार्ट को भी साक्षी होकर देखेंगे तो हलचल में नहीं आएंगे, अवस्था हमारी हम संभाल पाएंगे, एक रस रख पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।